पहले था जब वहाँ पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, अभी का ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तो उन्होंने मुकदमा ले लिया था ना, हमने उन्हें जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उन्होंने ले लिया था, उनका था हमने। গোরখপুরের কানপুরের বাসিন্দা মনীষ গুপ্তের সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তদন্তের আওতায় রয়েছে। পুলিশের একের পর এক অদ্ভুত কাজ বেরিয়ে আসছে। মৃতের স্ত্রী মনীষ গুপ্ত অভিযোগ করেছেন যে তারা 6 জন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে এফআইআরের জন্য অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তারা জোর করে 3টি নাম মুছে ফেলেছেন। মনীষ গুপ্তের স্ত্রী জানিয়েছেন যে গোরখপুরের 2 অফিসার অভিযোগপত্রের মধ্যে 3টি নাম সম্পাদনা করে এফআইআর লিখেছেন। তার পুলিশকে বাঁচানোর জন্য তিনি আমাদের উপর চাপ দিয়ে থাকে। আমরা আপনাকে বলছি যে এর আগে একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছিল যাতে পুলিশ কর্মকর্তারা বিষয়টি গোপন করার কথা বলছিল। মৃতের স্ত্রী মনীষ গুপ্ত ভিডিওটিকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছে। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए, गोरखपुर का जिसमें आप बैठे हैं, आपके परिवार के लोग बैठे हैं और वहाँ के जो एसएसपी हैं और कलेक्टर हैं वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मुकदमा ना लिख पाइए। ये पहले था जब वहाँ पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, अभी का ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तो उन्होंने मुकदमा ले लिया था ना, हमने उन्हें जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उन्होंने ले लिया था, उनका था। हमने पहले जो एप्लीकेशन दी थी उसमें 6 लोगों के नाम दिए थे। मैंने वो एप्लीकेशन आप सबको दे दी थी कि मैंने ये एप्लीकेशन दी है। उन्होंने उस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दूसरी बहुत देर बाद जब मैं वहाँ पे धरने पे भी बैठ गई थी तो उसके बाद उन्होंने उस एप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंजेस करके लिया। उन्होंने कहा कि आप 6 लोग का नाम दे रही हो, ऐसा मत करो क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या हुआ है। वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि जिन्हों वो ऑन ड्यूटी है, सब लोग ऑन ड्यूटी में ऐसे नहीं होता है। पहले हम देखते हैं वो गुनाह हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है, जो जो प्रोसेस बताया था। बट पर हमें तो करना था क्योंकि मेरे पति की हत्या हुई थी। वो मुकदमा दाखिल नहीं कर रहे थे। ये उस समय का वीडियो जब हमने उनमें से उन्होंने कहा नाम हटा दीजिए, सिर्फ 2 का नाम दीजिए। हमने कहा नहीं, 3 का नाम हमें कंफर्म है, जो वहाँ से हमें पता चला है रिकॉर्डिंग में है वो नाम, तो हम वो 3 नाम तो रखेंगे ही। बाकी जो 3 उनके साथ गए उनका अज्ञात नाम उनका भी पता चल गया था कि साथ में 6 कौन गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पता ना कि उन्होंने किया या नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए, परिवार है। बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी। असलियत तो यही है, उन्होंने मेरे पति के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। उन दोनों ने वहाँ पे जो दोनों हैं वीडियो में, मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उनका पदवा नहीं बता पा रही क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो जो परिवारजनों के साथ बैठे थे वो दोनों लोगों ने पुलिस का साथ दिया, मैं हमारा नहीं दिया। हमारा दिया होता तो पूरी बात लिखने देते। उन्होंने कहा 3 ही का नाम जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से 3 का नाम लिख के और 3 अज्ञात करके एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन अक्षर सा वैसे ही है, बस उसमें 3 जो कम 3 आखिरी वाले नाम है वो हटाए गए, उसकी जगह